नमस्कार। हमारे साथ हैं एक बार फिर हमारे पैनलिस्ट अशोक बालियान जी। और अशोक बालियान जी से जब लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी तो इन्होंने बिहार को लेकर एक बड़ा दिलचस्प किस्सा उसमें सुना दिया था कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट करने के लिए 1996 में सीबीआई को पापड़ बेलने पड़े थे। और मैंने इनसे कहा था कि आप इस किस्से को हमारे अगले वीडियो में रिकॉल कराइए और हम पूरी जानकारी उसमें आपसे लेंगे। और जो अभी ताजा प्रकरण चल रहा है उसमें आप सब लोग जानते ही हैं कि सीबीआई की भूमिका को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक चिट्ठी लिखी गई है कि साहब सीबीआई और ईडी के माध्यम से विरोधी दलों को परेशान किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। और इन सब के बीच एक इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश की गई है कि जिस समय सीबीआई और ईडी की टीमें जांच कर रही थी, तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही थी, उनकी पत्नी गर्भवती थी, उन्हें चक्कर आ गए, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, एक इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश इसके पीछे की जा रही है। हालांकि किसी संविधान की किताब में ये नहीं लिखा है कि अगर किसी घर में कोई बीमार है या पीड़ित है तो उसके घर पर सीबीआई या ईडी को अपनी रेड नहीं करनी चाहिए या पूछताछ नहीं करनी चाहिए। लेकिन वक्त बदल गया है। जिस समय 1996 में लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट करने की बात चली थी, उस समय वहां पर उनकी सरकार थी, उनकी दबंगई वहां पर थी। और देखिए कितना बड़ा अजीब एक इत्तेफाक देखिए कि सीबीआई बिहार पुलिस से कह रही थी कि हमें आप सहायता कीजिए और बिहार पुलिस ने साफ हाथ खड़े कर दिए थे। आज ये लोग सत्ता में हैं, नीतीश कुमार के साथ इनकी सरकार है बिहार में, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों को केंद्र सरकार ने एक ताकत दी है, उन्हें फ्री हैंड दिया है और खुलकर काम करने की आजादी दी है। अशोक जी, उस पुराने किस्से के बारे में जो आपने पिछली बार भी जिक्र किया था, उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए कि इन लोगों ने अपना, जब इनका राज था, लालू राज था बिहार में, तो किस तरह की दबंगई इनकी वहां पर हुआ करती थी। देखिए हर्ष जी, अभी हाल में आपने देखा होगा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के इन 7 पार्टियों के बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि सीबीआई का दुरुपयोग सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। और उसमें से बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे जो आज बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, वो भी इस पत्र को लिखने वाले नेताओं में से एक है। तो इसलिए फिर ये चीजें हमारे और सभी लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि चारा घोटाले के समय जो लालू यादव ने सीबीआई को धमकी दी थी, जो राज्य सरकार ने बिल्कुल एक तरह से अपने राज्य में सीबीआई को पंगु बनाने की कोशिश की थी। तो हर्ष जी, मैंने देखा कि अभी 2-3 दिन पहले लालू यादव की एक बेटी का भी वही बयान आया है कि अगर हमारे परिवार को कुछ हो गया तो हम तहस तहस कर देंगे एक तरह से चीजों को, इसी तरह की धमकी दी है। तो ये क्या हुआ था हर्ष जी, के 1996 में पटना हाई कोर्ट ने चारा घोटाला जो बिहार में हुआ था, पशुओं के चारे के नाम पर बड़ा पैमाने पर भ्रष्टाचार, उसकी जांच के आदेश सीबीआई को सौंपे। उस वक्त में सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर यूएन विश्वास साहब एक बहुत ईमानदार और तेज तजार अधिकारी थे, तो उनको ये जांच सौंपी गई थी। लेकिन उन्होंने समय समय पर अपनी और बाद में अपनी किताबों में भी लिखा है कि उन्हें लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी के लिए इतनी मुसीबतों का और इतनी धमकियों का वो सामना करना पड़ा था हर्ष जी, कि उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने भी कुछ नए सीबीआई की जो जांच चल रही थी बिहार में उसमें भाग लेने से मना कर दिया था अनऑफिशियली रूप से कि साहब हम लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इस जांच को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये बहुत विकट परिस्थिति थी असल उस समय। नहीं तो क्यों, अधिकारियों को क्या डर था, क्यों मना कर दिया था? अधिकारी को ये डर था कि धमकियां दी जा रही थी, जो वो कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश करते थे सीबीआई कोर्ट में जांच की, उस रिपोर्ट को धमकी देकर बदलवाने तक का भी काम किया गया था। तो इसलिए अधिकारियों ने मना कर दिया था यूएन विश्वास जी से, कुछ अधिकारियों ने, कि हम इस तरह की धमकियों के साथ में, क्योंकि आप जानते हो कि इस संघीय व्यवस्था में कानून व्यवस्था का पर्सन हमेशा राज्य पर सरकार के पास रहता है। और उस समय एक तरह से मैं आपसे आगे भी बताऊंगा कि किस किस तरह राज्य सरकार के नीचे से लेकर और उच्च अधिकारियों तक जो है
सीबीआई को एक तरह से बिल्कुल जो है पंगु बनाने का काम किया गया था हर्ष जी। उस समय जो है केंद्र में मेरे ख्याल में नरसिम्हा राव की सरकार रही होगी। नहीं, ये उस समय क्या था हर्ष जी, ये देवगौड़ा जी की सरकार थी। तो अच्छा लालू यादव जी ने देवगौड़ा जी से कहा कि हमने आपको इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बना था कि आप हमारे खिलाफ सीबीआई की जांच को शुरू करोगे। तो देवगौड़ा जी ने ये भी सब लोग उनको तो सख्त लहजे अलायंस, में, मेरे ख्याल हाँ में सब अलायंस में थे ये सब। अलायंस में थे, और लालू यादव के उस पर 22 सांसद थे जिनके सारे केंद्र सरकार टिकी हुई थी। तो लालू यादव जी को देवगौड़ा जी ने कहा कि ये पटना हाईकोर्ट के आदेश से जांच हो रही है, मैं इसमें इस तरह का कोई अंतरिम इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल भी है। तो बहुत नाराज हुए लालू प्रसाद यादव देवगौड़ा जी से, और एक समय ऐसा आया कि देवगौड़ा जी को रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद में देखो हर्ष जी के लालू यादव जी ने खुद इंद्र कुमार गुजराल को टेलीफोन कॉल किया कि आपको लेने के लिए गाड़ी आ रही है। उनको नहीं पता था कि आप गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, कि हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, उन्होंने बिहार की भाषा में कहा। और इसके बाद जब यूएन विश्वास की जांच आगे बढ़ी तो बहुत गुस्से में लालू प्रसाद यादव ने इंद्र कुमार गुजराल को कहा कि मैंने आपको बिहार से राज्यसभा में भेजा है और मैंने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, और आपकी सीबीआई फिर भी जांच कर रही है। तो आपके ध्यान होगा उस वक्त, क्योंकि योगिंदर सिंह जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने बाद में अपनी किताब में भी लिखा था कि उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री को, उन्होंने दोनों को स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि दोनों के वक्त में वो सीबीआई के डायरेक्टर थे, कि अगर आपको सीबीआई जांच लालू के पक्ष में बंद करानी है तो आप मुझे लिखकर आदेश करिए, वरना सीबीआई इस जांच को, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के आदेश पर ये जांच हो रही है, उसको बंद नहीं किया जा सकता हर्ष जी। तो ये एक आपने देखा होगा कि ये एक प्रधानमंत्री को किस तरह की धमकी, एक घोटा बहुत बड़े चारा घोटाले में आरोपित बिहार राज्य के मुख्यमंत्री दे रहे थे। तो इसलिए जब ऐसी धमकी प्रधानमंत्री तक को दी जा रही हो, तो ऐसे मामलों में फिर सीबीआई के जो छोटे अधिकारी थे उनका डरना उस वक्त स्वाभाविक था हर्ष जी। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, और मुझे लगता है कि अशोक जी, हमारे देश में 77 में, 77 के बाद से जो है कोलिशन गवर्नमेंट की परंपरा थोड़ी सी रही। कई बार कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, लेकिन और मुझे लगता है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है हमारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको हुआ। मैं तो इसका बड़ा पक्षधर हूं कि जो मत है किसी भी सरकार को मिले, स्पष्ट मिलना चाहिए जिससे वो खुलकर 5 साल तक काम कर सके। देखिए, राजीव गांधी की सरकार जिस समय बनी थी, स्पष्ट बहुमत की सरकार थी, उन्होंने एंटी डिफेक्शन बिल और पता नहीं कितने बड़े बड़े डिसीजन, वो अपने समय में दल बदल कानून वाले जो इस तरह के डिसीजन लेने में उन्होंने सफलता हासिल की, चाहे वो बाद में उसका नुकसान उन्हें ही हुआ हो, ये एक दूसरा मुद्दा है। तो उस समय ये बताइए, फिर आखिरकार उनकी अरेस्टिंग के लिए हुआ क्या, किस तरह से यूएन विश्वास ने इसे अंजाम दिया, वो जरा बात बताइए, वो किस्सा कैसे हुआ। हाँ, देखिए क्या था कि जब यूएन विश्वास की जांच आगे बढ़ी तो उन्होंने हर्ष जी ये महसूस किया कि अब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी चारा घोटाले में बहुत जरूरी है, ताकि वो फिर कोर्ट में इस केस को चार्जशीट के साथ सबमिट करें। क्योंकि तो उनको ये पता था कि बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव तमाम जांच को, तमाम गवाहों को प्रभावित प्रभावित करेंगे, इसलिए करेंगे। उनका उनका गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद क्या हुआ कि उस वक्त में बिहार के गृह सचिव थे डीपी महेश्वरी, अच्छा और मुख्य सचिव थे वीपी वर्मा, और डीजीपी थे एस के सक्सेना, और पटना की डीएम जो लालू परिवार के भी बहुत निकट थी राजबाला वर्मा थी, वो आजकल जो बिहार से अलग छत्तीसगढ़ हुआ है वो वहां की रहने वाली थी और पटना की जिलाधिकारी थी। तो अच्छा ये अधिकारी, क्योंकि सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर को गिरफ्तार करने के लिए इन अधिकारियों से सहयोग मांगना था, तो इन अधिकारियों ने शुरू शुरू में तो यूएन विश्वास से बात की, लेकिन फिर उसके टेलीफोन उठाने बंद कर दिए। तब उन्होंने लैंडलाइन पर संपर्क किया, तो देखो ये कितने नीचे जिलाधिकारी एसएसपी से लेकर और मुख्य सचिव तक हर्ष जी, तमाम अधिकारियों के ऑफिस से सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर यूएन विश्वास को कहा गया कि यहाँ पर कोई भी आपसे बात करने के लिए उपलब्ध नहीं है, अर्थात मतलब फोन ही अटेंड राज्य नहीं में हुआ कोई था। भी मशीनरी ऐसी नहीं थी कि जो उच्चतम न्यायालय और बिहार के उच्च न्यायालय के आदेश पर लालू यादव की गिरफ्तारी के आदेश का क्रियान्वयन करने वाली कोई भी मशीनरी उस वक्त पर, क्योंकि वो सब कुछ बिहार के मुख्यमंत्री के आदेश पर काम कर रहे थे।
तो ये यूएन विश्वास के लिए बहुत कठिन था। तो उस वक्त में क्या हुआ कि ये उस यूएन विश्वास ने रैपिड एक्शन फोर्स को पटना में, वहां के डीआईजी थे उस वक्त पर, डीआईजी से रिक्वेस्ट की कि आपने रैपिड एक्शन फोर्स को भेज दें। उस डीआईजी ने पटना में रैपिड एक्शन फोर्स को भेज दिया। जैसे ही वहां की जिलाधिकारी राजबाला को हर्ष सिंह पता चला कि पटना में लालू यादव की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने रैपिड एक्शन फोर्स को कॉल किया है, तो उसने डीआईजी को पत्र लिखा कि आप बगैर जिलाधिकारी की अनुमति के पटना में किसी भी क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि किस तरह की मतलब है, एक संवैधानिक मतलब है कि व्यवस्था हो गई थी कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कानून के आदेश को और हाई कोर्ट के आदेश को एक तरह से पालन करने से बिल्कुल कोताही बरती थी और उसको मना कर दिया गया था। तो उस समय सारे अधिकारियों के व्यवहार से ऐसा लग रहा था जी कि संविधान का सत्ता में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे प्रशासन के आला अधिकारी यह सब करने के लिए लालू प्रसाद यादव का साथ दे रहे थे। तो बहुत विषम स्थिति से निपटने के लिए फिर यह है एक तरह से यूएन विश्वास को हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में जाना पड़ा। उसने दो काम किए, एक तो व्यक्तिगत लेकिन रूप से वो पटना हाई कोर्ट डीआईजी की जो, थे रैपिड एक्शन फोर्स वाले, वो कैसे एग्री हो गए? उन्हें डर नहीं था क्या? बस वो उन्होंने फोर्स तो भेज दी, लेकिन वो भी ये जानते थे कि लोकल प्रशासन की असल में रैपिड राज्य एक्शन सरकार फोर्स को को मुझे रिक्वेस्ट। लगता है कि ये अर्धसैनिक बल है, केंद्र के अधीन ही आता है, लोकल नहीं होता। हाँ, लेकिन वो उन्होंने हिम्मत की के भेज दिए, लेकिन उसके बाद जब जिलाधिकारी का उनको एक आधिकारिक पत्र मिला, तो उसके बाद उन्होंने उसके क्रियान्वयन को रोक दिया कि हम बगैर लोकल प्रशासन के रिक्वेस्ट के हम वहां पर लालू की गिरफ्तारी के लिए रैपिड एंड एक्शन फोर्स को वो नहीं कर सकते, वहां पर जो है तैनात नहीं कर सकते। तो इसके बाद में यूएन विश्वास ने जो है, ये भारत के इतिहास में पहला मौका था कि वहां पर बिना पूरे के वहां छावनी पड़ती है, वहां के एरिया कमांडर को जो है यूएन विश्वास ने चिट्ठी लिखी। लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त पर गृह मंत्री गुजराल की जानकारी में यह आ गया कि यूएन विश्वास ने दीनापुर के जो वहां के एरिया कमांडर थे उनको चिट्ठी लिखी है। तो उन्होंने संसद में बताया कि आर्मी को चिट्ठी लिखी गई थी कि लालू की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन फिर जब आर्मी से संपर्क किया गया तो तब आर्मी ने यह कहा कि हम स्थानीय प्रशासक उत्तर प्रदेश सरकार की चीफ सेक्रेटरी से बात करता है, फिर वो हमको रिक्वेस्ट लेटर भेजता है, तब हम उस आधार पर जाए जनपदों में अपनी आर्मी को तैनात करते हैं। तो हम भी इसलिए आर्मी को तैनात नहीं कर सकते। लेकिन मैं अर्जी बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि ये हुआ था कि एरिया कमांडर ने फिर भी यूएन विश्वास के रिक्वेस्ट पर उस वक्त पर आर्मी की कुछ गाड़ियों को निश्चित तौर पर पटना में जो मुख्यमंत्री का निवास था उसके सामने से गुजारी थी। इस बात को हालांकि किसी ने आज तक पुष्टि नहीं की, लेकिन जो अखबारों में खबर आई थी उस वक्त पर, ये निश्चित तौर पर आर्मी की गाड़ियां मुख्यमंत्री निवास के पास को गुजरी थी। और उस वक्त लालू यादव ये भी कहता था कि ये अगड़ी जातियों का, पिछड़ी जाति के नेता, क्योंकि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, ये कार्ड भी खुलता, ये उसके राजनीतिक कैरियर को चौपट करने के लिए ही आर्मी को बुला जा रहा है और मैं गिरफ्तारी किसी भी हाल में नहीं दूंगा। और बल्कि उस वक्त उसकी पार्टी के समर्थक हर्ष जी पटना की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, सीबीआई के डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी दे रहे थे कि लालू की गिरफ्तारी किसी भी तरह नहीं होने दी जाएगी, बिहार में खून खच्चर हो जाएगा, केंद्र की सरकार को घेर दिया जाएगा, क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा साहब को हटा चुके थे और दूसरा प्रधानमंत्री को भी नियुक्त उनकी पार्टी का समर्थन 22 सांसदों का मिला हुआ था। तो ये सारी स्थिति हर्ष जी बहुत विचित्र पैदा हो गई थी। तो फिर कैसे यूएन विश्वास ने फिर आगे कैसे अंजाम दिया इसे? तो फिर आगे क्या हुआ कि फिर वो जो गाड़ियां गुजारी वो तो वो चलिए अनऑफिशियली था, लेकिन माना जैसे ही वो जाता है कि गाड़ियां उसका चली, प्रभाव पड़ा। जैसे ही वो जैसे ही हर्ष जी उन गाड़ियों का मूवमेंट हुआ, उसी वक्त यूएन विश्वास फिर एक आधिकारिक लेटर लेकर पटना हाईकोर्ट पहुंच गए और पटना हाईकोर्ट को ये बता के वहां के चीफ सेक्रेटरी, वहां के गृह सचिव, वहां की जिलाधिकारी और वहां के डीजीपी कोई सहयोग नहीं कर रहे, तो रात के 12 बजे हाईकोर्ट ने इन सारे अधिकारियों को तलब किया। और अच्छा दूसरी तरफ क्या हुआ कि लालू यादव जी ने इंद्र कुमार गुजराल के यहाँ टेलीफोन मिला,
इनक्वायर गुजराल जी ने के ऑफिस से कहा गया कि प्रधानमंत्री बहुत अर्जेंट एक मीटिंग में है और आपकी बात नहीं हो सकती। ये भी पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ था कि मुझे एक लगता है कि प्रदेश के गुजराल साहब ने जो है मुख्यमंत्री, वो लालू जी का फार्मूला ही उन पे अपनाया कि तुम सीबीआई वालों यस के यस फोन नहीं उठवाते, हम तुम्हारे नहीं उठाते। हाँ, लेकिन हर्षी ये भी एक बहुत अचंभे की बात थी कि जिस मुख्यमंत्री की पार्टी के सांसदों पर देश के प्रधानमंत्री की सरकार टिकी हुई थी, उस उसका फोन प्रधानमंत्री ने, नहीं क्योंकि उठाया। प्रधानमंत्री भी जानते थे कि यूएन विश्वास को अब न हटा जा सकता है और न यूएन विश्वास एक कदम पीछे हट सकते हैं, और वो जानते थे कि लालू की गिरफ्तारी होनी ही है, तो उन्होंने ये कहलवा दिया था कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी अर्जेंट मीटिंग में है। फिर लालू यादव जी ने उस वक्त के गृह मंत्री से बात की, तो गृह मंत्री के ऑफिस से भी यही कहलवा दिया गया था लालू यादव जी कौन को होम मिनिस्टर कौन था कि उस समय? वो बहुत अर्जेंट मीटिंग में है, आपकी बात नहीं हो सकती। तब नहीं, लालू अशोक यादव जी समझ होम गए थे, मिनिस्टर शायद कौन थे उस समय? होम मिनिस्टर कौन थे उस वक्त गुजरात? में इंदु कुमार गुजराल जी की सरकार में कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से में शायद गृह मंत्रालय आता, वो थे सोमनाथ इंदु कुमार चटर्जी। गुप्त जी। हाँ जी, इंदु कुमार गुप्त जी, अच्छा, हाँ हाँ कम्युनिस्ट नेता थे हाँ वो क्योंकि सरकार मिली जुली सरकार थी, तो शायद गृह मंत्रालय उनके अधीन था वो, तो उन्होंने भी जब मना कर दिया था तो तब लालू यादव जी ने गिरफ्तारी की बात सोची, रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद में रावड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना और इसके बाद फिर जो है वो गिरफ्तार हुए। तो ये एक ऐसी स्थिति सीबीआई के सामने हर्षी आई थी। मैं आपको एक घटना और बताऊं कि हाँ पश्चिम बंगाल में भी ये हुआ था कि जब चिटफंड घोटाले में एक ममता के मिनिस्टर्स को, ममता के वहां के जो पुलिस कमिश्नर थे राजीव कुमार से हाँ पूछताछ करना चाहती थी सीबीआई, तो गिरफ्तार करने गई, तो वहां की लोकल पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को अपनी गाड़ी में बैठा बंदक बना कर लिया था। और एक थाने में, वहां पर एक थाने में उनको ले आई। इसके बाद केंद्र ने हस्तक्षेप किया था और आपके ध्यान होगा कि फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सीबीआई अधिकारियों की सुरक्षा के लिए भेजा गया था। हालांकि अभी आपके ध्यान होगा कि ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की आलोचना की थी कि सीबीआई को काम करने से रोका गया था और सीबीआई को राजीव कुमार से पूछताछ करने की इजाजत दे दी गई थी। तो ये भारत के इतिहास में दो बार सीबीआई को इस तरह की स्थिति का भी राजीव जी हर्षी मतलब यह है कि सामना करना पड़ा था, आप तब जाकर देखिए लालू यादव की गिरफ्तारी हुई देखिए, थी। ये दुर्भाग्य की ही बात है कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं हमारे देश में। और इसकी इसकी देखिए दोनों मामलों में थोड़ा सा फर्क ये है कि उस समय जो है केंद्र की सरकार मिलीजुली सरकार थी, और इस समय सरकार थोड़ी अलग तरह की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। और अंत में उसमें जो उस पूरे प्रकरण को लेकर आपको ये भी याद होगा कि ममता बनर्जी ने बाद में जब वो रिटायर हो गए थे, उनका रिटायरमेंट भी राजीव कुमार का आ रहा था, उन्हें शायद कोई पद भी राजीव कुमार को अपनी सरकार में उन्होंने दिया था। वो चूंकि रिटायर होने के बाद उन्हें फिर भी अभी हाल ही में शायद 1-2 साल पहले ही कोई डिसीजन ऐसा लिया था कि उन्हें सरकार में बनाए रखा था, ये मामला भी सामने आया था। देखिए हर्ष जी, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जो हम आप देखते हैं कि जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी है वो उन पार्टियों के अनेकों नेता भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और उनमें से बहुत सारे नेता कई कई महीनों से जेल में हैं, और जो लालू यादव का परिवार आज जो फिर धमकियां दे रहा है, खुद लालू यादव को दो मामलों में चारा घोटाले की सजा हो चुकी है और ये जमीन के बदले नौकरी मामले में भी हर्ष जी, मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर ये एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था। उस वक्त जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे तो मुझे भी उनसे एक बार हर्ष जी मिलने का अवसर मिला था। हम लोग की एक किसान संगठनों की एक बेंगलोर में मीटिंग थी, उसके रिजर्वेशन के सिलसिले में हम लोग जो है एक पूरा रेलवे चाहते थे कोच, तो उस वक्त हम लोग उनसे मिले थे। तो ये लालू यादव जी अपनी एक देहाती शैली की वजह से पॉपुलर हुए थे, लेकिन उनके कार्यकाल में, चाहे वो उनका बिहार का मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा है, चाहे उनका रेलवे का कार्यकाल रहा है, भ्रष्टाचार हुआ है और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर इसमें जो जो आरोपी होंगे वो शीघ्र ही जेल में जाएंगे। और आप ये भी देख लेना कि जो शराब घोटाला है इसकी आँच अभी तेलंगाना भी जाएगी निश्चित तौर पर, और देर सवेर हो पहुंच सकता है कि आप पार्टी के किसी नेता पर भी देर सवेर आँच चली जाए। इसीलिए ये 7 पार्टियों के नेताओं ने ये चिट्ठी लिखी है कि भाई सीबीआई अपने एक्शन को रोक दे। अभी देखो हर्षी, भ्रष्टाचार हुआ और क्षेत्रीय पार्टी के लीडर ये कहते हैं कि जांच न करे सीबीआई, तो फिर आखिर
तुम तो अपने राज्य में भ्रष्टाचार की जांच स्वयं नहीं करवा सकते, क्योंकि तो आप तो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हो। तो आखिर कोई तो एजेंसी देश में होगी कि जो इस तरह के करप्शन की जांच करेगी, जहां पावरफुल पॉलिटिशियन करप्शन करेंगे, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि ईडी और केंद्र और सीबीआई की भूमिका कुछ सालों में, अर्थ जी आपने देखा होगा कि और बेहतर हुई है और मजबूती की स्थिति में आई है। कुछ सालों से पहले ईडी को कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि ईडी को कोई बहुत बड़ा काम नहीं दिया जाता था। क्षेत्रीय पार्टियां केंद्र सरकार में अपना हस्तक्षेप करती थी, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलती थी, और इसीलिए केंद्र सरकार कभी भी उनके घोटालों पर ईडी जैसी जांच एजेंसी को नियुक्त नहीं करती थी। जी, ये बहुत बड़ी देश के लिए विडंबना थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार इस समय भ्रष्टाचार को लेकर काफी गंभीर है, और गंभीरता होनी भी चाहिए, क्योंकि 70 साल में हर्ष जी करप्शन के कारण हमारे देश में जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो विकास होना चाहिए था, उसमें निश्चित तौर पर रुकावट आई थी। हर्ष जी, इसमें एक दिलचस्प बात मैं भी ऐड करता हूँ। अभी जो तमाम विपक्षी दल, आपको याद होगा कल भी इन्होंने पार्लियामेंट से निकल के मार्च किया, नारेबाजी की, और अब तक आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती रही है, कांग्रेस की वो अपनी सबसे बड़ी जानी दुश्मन मानती रही है। आपको पता ही है कि दिल्ली में, पंजाब में, सब जगह कांग्रेस की कॉस्ट पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। अब तक ये लोग कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए गोवा में जाते रहे। दिल्ली का जो शराब घोटाला था, उसका सारा पैसा गोवा में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। गुजरात में इनके वोट बड़े, 10% वोट आए, तो वहां सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने कांग्रेस का किया, कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे। लेकिन कल मैंने देखा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया से बात कर रहे थे, तो संजय सिंह और राघव चड्ढा उनके पीछे खड़े हुए नजर आए, जो अब तक कांग्रेस से दामन बचा रहे थे, उनके पीछे खड़े हुए थे। देखिए, वक्त जब मार पड़ती है ना, तो किस तरीके से इंसान की अकल ठिकाने आती है। बिल्कुल, ये तो पहले भी हुआ है। आपने देखा होगा कि ममता ने इस घटना के बाद, सीबीआई की घटना के बाद, एक कोलकाता में बहुत बड़ी रैली की थी, और वहां ममता ने कांग्रेस को जीरो कर दिया, और कांग्रेस उस रैली में ममता के मतलब करप्शन को ढकने के लिए पहुंची थी। लेकिन ममता बनर्जी ने इसमें तो स्टैंड लिया है। अशोक जी, ममता बनर्जी ने कल वाला जो प्रदर्शन हुआ है, इन्होंने जो पार्लियामेंट से निकल के ये बाहर आए और मीडिया से बात की, मार्च किया, नारेबाजी की, ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को निर्देश दे दिया था कि कोई भी इस मार्च में शामिल नहीं होगा। इट मीन्स नहीं, हो सकता है, हो वो सकता चाहती हैं कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो हो रहा है, ये कार्रवाई हो, आगे बढ़े। बिल्कुल हर्ष जी। देखिए क्या है कि हो सकता है कि ममता को ये समझ में आ गया हो कि करप्शन से कोई, वर्तमान जो मोदी सरकार है उससे कोई बचने वाला नहीं है, और ये अच्छी बात है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के समझ में ये चीज आ जाए कि अब पहले की तरह सरकारें नहीं चलेंगी, और भारत अब इस बात के लिए, मौजूदा सरकार इस बात के लिए तैयार है कि जो हमें नुकसान करप्शन को लेकर हुआ है, हम उस पर सख्ती करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो देश की जनता भी इस बात को मान रही है कि सारे चोर इकट्ठे हो गए और मोदी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वो ईडी और सीबीआई को या अन्य जांच एजेंसी को रोके और इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। ये तो ठीक बात है, और ममता ने अगर ये वक्त की नजाकत को समझाए तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो ये 7 पार्टी के नेता वक्त की नजाकत को नहीं समझ रहे, हर चीज में समझता हूँ कि जल्दी सीबीआई और ईडी, इनके जो मुख्य नेता भ्रष्टाचार में आरोपित हैं या जो जांच में पाए जाएंगे, वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में सलाखों के पीछे होंगे, ऐसा हमारा मानना है। देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात ये देखिए, ये जो कांग्रेस हैं या फिर जेडीयू हैं, दूसरे जो दल हैं, खासतौर से आज जिनकी मिलीजुली सरकार बिहार में चल रही है, इन्होंने तो एक समय लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही चुनाव लड़े हैं। इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी तो बहुत बाद में इस सीन में आई। अरे तो देखो हर्ष जी, आप आज जनता दल यू जो वहां नीतीश कुमार जी का, जो बिहार में लालू यादव की पार्टी के साथ में अलायंस में है सरकार में, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ही जिस जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन के आरोप में सीबीआई ने और रेड किया है ईडी ने, वो तो खुद उन्होंने कंप्लेंट किया था। और आज वो सरकार में शामिल, आज वो चिट्ठियां लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को कि जांच न करी जा, जबकि चिट्ठी उन्होंने कुछ वर्ष पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, सही बात है, सही बात कह नीतीश कुमार जी की पार्टी ने ही चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को कि आप नौकरी के बदले जमीन में लालू यादव का और उसके परिवार के भ्रष्टाचार की जांच करें, रहे हैं। और आज ये सारी पार्टियां प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही। तो ये इनके विपक्ष के नेताओं का आप चरित्र देखें कि वो भारत को कहां ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। हर्ष जी, अब चरित्र की बात क्या करनी है। आप तो देखिए ना,
जो 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 कम्युनिस्ट और कांग्रेसी कभी एक दूसरे के जाने दुश्मन थे, आज गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी को रोकने के लिए। इनका कोई मोरल तो अपना रह नहीं गया है। और देखिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई है, मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि अभी नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के जो नतीजे आए हैं 3 राज्यों के, ये क्रिश्चियन बहुल इलाके हैं जहाँ पे 75 से 80% क्रिश्चियन आबादी है। और अब तक ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था कि बीजेपी ईसाइयों विरोधी पार्टी, ईसाइयों की विरोधी पार्टी है। और देखिए वहां बीजेपी 3 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही है। तो जो अब कम्युनिस्ट का इनका लास्ट किला बचा हुआ है केरल का, वो भी लोगों को ढहता हुआ नजर आ रहा है। हाँ ये बिल्कुल जो है, मैं तो ताज्जुब मानना कि जब मैंने देखा कि अपने पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ चुनाव लड़े, क्योंकि देखिए क्या है जी, मैंने आपसे जब पिछली बार भी हमारी आपसे बात हुई थी, आजादी के बाद ही कांग्रेस के कुछ नेताओं की नीति थी कि खाओ और खाने दो, इसीलिए राज्य सरकारें, क्योंकि लंबे समय कांग्रेस का शासन रहा केंद्र में, तो राज्य सरकारें भ्रष्टाचार के मामले में और ज्यादा मतलब है मात्रा में लिप्त होना शुरू हो गई। वरना आपने देखा होगा कि जब देश आजाद हुआ था तो कुछ जीपें मंगाई गई थी विदेश से, वो उस घोटाले में संसद में उस वक्त बहस हुई, इंदिरा गांधी के पति जो फिरोज गांधी थे उन्होंने भी उस मामले को उठाया, नेहरू जी बहुत नाराज हुए थे उनसे। इसके बाद जब जून में इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी तो उनके खिलाफ आपके ध्यान होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय आया था और उनको चुनाव का अवैध घोषित कर दिया गया था। उसमें मुख्य आरोप ये था कि उन्होंने उस चुनाव में भ्रष्टाचार किया था और सरकारी मशीनरी को निजी तौर पर अपने चुनाव में इस्तेमाल किया था। तो ये अगर हम शुरू से देखें तो कांग्रेस पार्टी का करप्शन को लेकर, जिस तरह मोदी सरकार का सारा देश और सारी दुनिया देख रही है कि करप्शन को लेकर काम है, मैं नहीं मानता कि 100% मोदी जी ने सफलता कर ली, लेकिन हर्षी आप देखेंगे बहुत सारे मामलों में आज किसान को जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलती है, हर्षी अगर हम बात करें 6,000 रुपए की, वो एक बटन, टेक्नोलॉजी के एक बटन पर किसान के खाते में आ जाती है, किसान को उसका एक रुपया भी कहीं खर्च नहीं करना पड़ता। बिल्कुल बहुत सही। सारे मामलों में मोदी सरकार ने करप्शन को रोकने का काम किया है, टेक्नोलॉजी लाने के बाद में, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां नहीं चाहती कि केंद्र में एक मजबूत सरकार आए और जो टेक्नोलॉजी के आधार पर करप्शन को मिटाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी उन क्षेत्रीय पार्टी के साथ ही शामिल हो गई है और वो चाहती है कि केंद्र में फिर एक कमजोर सरकार आए। इसीलिए 2024 से पहले आप देखोगे अभी और ज्यादा बहुत सारे एलिगेशन मोदी सरकार पर लगाए जाएंगे ताकि फिर एक ऐसी सरकार आए जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां अपने राज्यों में भ्रष्टाचार को बढ़ा सके और अपनी जेबों को भर सके। लेकिन भ्रष्टाचार हमेशा जी देश के विकास में सबसे बड़ी अगर बाधा कोई होती है तो वो भ्रष्टाचार है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अशोक जी, धन्यवाद आपने जो इतना वो बताया, और समय समय पर आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। और हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आज आपने लालू की गिरफ्तारी वाला जो वो पुराना प्रसंग हमें रिकॉल कराया, और राजनीति से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से हमारे दर्शकों के लिए आप लेकर आएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।